मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम इन क्राइस्टचर्च न्यूजीलैंड और फिलहाल मैं अपने होटल की बालकनी में खड़ी हूँ। बहुत जल्दी मुझे नीचे जाना है और मैं आज आपको एक स्पेशल एक्सपीरियंस के लिए जाने वाली हूँ जिसका नाम है व्हेल वॉचिंग। जी हाँ, व्हेल वॉचिंग। अभी यहाँ से हमें जाना है कायकुरा। यहाँ पर ईस्ट कोस्ट में एक छोटा सा टाउन है जो कि 2-2.5 घंटे किलोमीटर की ड्राइव पर है क्राइस्टचर्च से। वहां पर हम जाएंगे और अपना क्रूज लेंगे। छोटा सा क्रूज है, बहुत बड़ा क्रूज नहीं है, बिकॉज मेनली ये क्रूज है फॉर वॉचिंग ओशन, आई मीन ओशन में जो एनिमल्स हैं लाइक सी लाइफ देखने के लिए। तो बस वहीं लेकर चलती हूँ मैं आपको। आइए चलिए चलते हैं। सो दिस इज आवर कोच एंड हियर वी हैव आवर कोच कैप्ट। नंबर 1 और अगर आप सोच रहे हैं कि ये क्या है तो मैं आपको बता दूं कि हम कोच में बैठ चुके हैं और ये है हमारे दिन की शुरुआत भगवान शिव शंकर के नाम के साथ। एंड दैट्स हाउ वी स्टार्टेड आवर डे। फ्रॉम क्राइस्टचर्च टू कायकुरा। और कायकुरा जाने से पहले हमने एक वॉशरूम ब्रेक लिया है और यहाँ पर दिस इज कॉल्ड द कुरुनुई डिस्ट्रिक्ट। अभी यहाँ से कायकुरा कुछ आधा घंटा और दूर है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी वंस अगेन। फ्रेंड्स, न्यूजीलैंड बहुत खूबसूरत है। इतनी ग्रीनरी है यहाँ पर कि कोच में बैठ के जस्ट ऐसे भी आप ट्रैवल करने निकल जाएंगे तो बहुत ही मजा आएगा। और ये हम कायकुरा एरिया के बहुत पास पहुंच गए हैं एंड यहाँ का जो व्यू है वो अमेजिंग है। एक तरफ पहाड़ है, एक तरफ समंदर है। So guys, we are in Kayakura and we have Tom here. He's our coach captain. He's driving us around South Island for the last 3 days. Very nice driver. Thank you. You want to say something to our viewers? Oh yes, definitely come to New Zealand. This is a beautiful place and once in a lifetime. Yeah, that's right. Okay, thanks Tom. Thank you. Okay guys, hum log pahunch gaye hain Kayakura. एंड हमारे बोट में अभी टाइम है 12:45 की हमारी बोट है। उससे पहले हम यहाँ कायकुरा टाउन सेंटर में थोड़ा रुके हैं सो दैट वी कैन ईट अ लिटिल बिट एंड वी कैन सी द टाउन अराउंड। तो चलिए देखते हैं कायकुरा टाउन सेंटर। There's a nice cafe, so if you would like to have some coffee or something before you board the boat, you can have that. We have some shops also here, so you can do a little bit of shopping also. फिलहाल मुझे शॉपिंग नहीं करनी है, लेकिन विंडो शॉपिंग की जा सकती है। So if you are a seafood lover, there are many options for you. We have this cafe. Why not cafe? Mm-hmm.
और यहाँ ऊन भी मिल रही है और यहाँ पर ना कोई भी ब्रांडेड शोरूम या ऐसा कुछ नहीं मिलेगा आपको, सब लोकल आइटम्स हैं। तो आपको अगर सुविनियर्स लेने हैं या वहाँ की आपको लोकल छोटी मोटी चीज़ें लेनी हैं तो बहुत अच्छी जगह है। और ये है मनुका हनी फेस पैक। मनुका तो यहाँ बहुत फेमस है, मनुका की हर। दिस इज फ्लैट वाइट कॉफी, क्वाइट फेमस इन न्यूजीलैंड। सो शॉपिंग एरिया मैंने देख लिया, कॉफी पी ली और अब मैं आ गई हूँ एक ब्रिज पर, तो इस जो कि इस टाउन सेंटर को दूसरी तरफ कनेक्ट कर रहा है। And guys, we have a very nice and beautiful beach on the other side of this town center. Ye dekhiye. Nice, huh? Bridge cross करके मैं इधर आई तो इतनी खूबसूरत beach और इतना खूबसूरत नजारा देखने को मिल रहा है। So here I have met these three beautiful girls over here and they are enjoying on beach. Hi. Hi. Where are you from? Taiwan. Taiwan. Oh, are you liking New Zealand? Thank you. Where you like? Yes, very nice. Okay. Okay. Enjoy. Okay. Thank enjoy you. Bye bye. Enjoy your day. Bye bye. मज़ा आ गया। इन तीनों ने ना मेरे इतने पिक्चर्स क्लिक किए और मैंने इनके इतने पिक्चर्स क्लिक किए। कभी कभार कंपनी मैटर्स अ लॉट। सो गाइस, हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पर व्हेल वॉचिंग टर्मिनल पर। चेक इन कर लिया है हमने और अभी थोड़ी सी हमारी ब्रीफिंग होनी है, उसी का वेट कर रहे हैं। ब्रीफिंग के बाद हमें ये बस बोर्ड करनी है। ये बोर्ड करने के बाद ये हमें लेकर जाएगी हमारे बोट पॉइंट तक, जहाँ से हमें बोट बोर्ड करनी है, जो कि हमें व्हेल वॉचिंग टूर के लिए लेकर जाएगी। तो आप देख सकते हैं ये बीच है, टर्मिनल के बिल्कुल सामने है। तो आपने जैसे टिकट लिया और उसके बाद आपके पास कुछ फ्री टाइम है तो आप बीच पे जाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो हमें पियर तक जो बस ले जाने वाली थी उसके आने में थोड़ा टाइम था, तो हमने सोचा क्यों ना इस बीच को भी एक्सप्लोर कर लिया जाए। दिस इज़ नॉट द सेम बीच जो कि टाउन सेंटर के पास थी, ये डिफरेंट है, बट एग्जैक्टली इतनी ही ब्यूटीफुल है जितने की वो थी। एंड ये हमारी कोच आ गई है जो कि हमें लेकर जाने वाली है बोट पियर तक। सो चलो चलो, लेट्स बोट द स्मॉल क्रूज। और अब हम पहुंच गए हैं जो बीच, देखते हैं वेव। वाओ, इतना खूबसूरत लग रहा है ना ये समंदर। माय गॉड, ऐसा लग रहा है कि यही रह जाए।
that whale just dived, you see a flat circular patch forming. That is created by each flick of this whale's tail. As he continues on his way, this places the water on the surface. They're very powerful tails that can produce up to 550 horsepower in a single flick. और ये भाई साहब इस मशीन से पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि कितनी दूर है अभी ये। Maybe that's the reason he dived so early. So I get back down, it was quite finished. Yeah. Yeah, we'll be about seeing these dolphins out in their natural habitat, folks. They're doing exactly what they want, when they want. Oh, we've got the hat. ध्यान से देखें, यही कहीं पर वो व्हेल है जिसे हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। So here we saw it. थोड़ी सी झलक देखने को मिली है व्हेल कैसे दिखती है यार। तो लो भाई अब हम चल पड़े हैं वापस व्हेल की तरफ। अब व्हेल चाहिए जो है ये समंदर आसमान और ये तो लिटरली माइंड ब्लोइंग है। अब हम लोग कैकुरा से निकल रहे हैं और जा रहे हैं क्राइस्टचर्च की ओर। After whale watching, we have come for dinner to this restaurant called Zaika. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Sunita. Happy birthday to you. May God bless you. Hi guys, so before I go to hotel, I want to do some last minute shopping from Countdown. Countdown यहाँ की local market है, local market नहीं sorry, supermarket है, जैसे कि 7-Eleven होता है, वैसे ही Countdown भी यहाँ पर supermarket है, जो कि 7-11 खुली रहती है पूरे 7 दिन, तो आपको अगर कुछ भी सामान लेना है, तो आप Countdown से ले सकते हैं। तो मेरे पीछे है Countdown,
और मैं जा रही हूँ अभी काउंटडाउन के अंदर। हाय गाइस, सो काउंटडाउन में शॉपिंग करने के बाद अब मैं वापस जा रही हूँ अपने होटल। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आपसे फिर मिलूँगी मैं एक नए व्लॉग में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, स्लीप वेल, ईट वेल एंड डू वेल, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल आवारा हूँ। बाय बाय। It's caught in the crossfire.